अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप के पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के बारे में, वर्क वीज़ा के बारे में, फैमिली वीज़ा के बारे में, क्योंकि ये सब लेकर मेरे पास बहुत सारा कमेंट फिलहाल अभी आ रहा है। तो इसी पे टॉपिक पे मैं बात करूंगा कि वो स्टार्ट हुआ या नहीं या कब स्टार्ट होगा, इसी के बारे में पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। पर उस पर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो को बिना स्क्रिप के देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी। स्किप कर दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो को बिना स्क्रिप के पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं कि जैसा कि आपको पता है, कतर वीज़ा जो सेंटर है वो चार देशों के लिए ओपन हो चुका है, फिलीपींस के लिए, इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए और नेपाल के लिए। सबसे पहले स्टार्ट हुआ इंडिया के लिए, जो तीन शहरों के लिए हुआ था, कोची लखनऊ और दिल्ली। उसके बाद स्टार्ट हुआ कुछ दिनों के बाद चेन्नई के लिए। तो दोस्तों चार शहरों के लिए स्टार्ट हो चुका है और तीन शहर के लिए अभी भी बचा हुआ है, मुंबई, कोलकाता और एक शहर के लिए और बचा हुआ है। तो ये टोटल सात शहर में क्यूसी सेंटर है कतर का इंडिया में। तो दोस्तों यहाँ पे बात यहाँ पे ये उठता है कि जब कतर का ये क्यूवीसी सेंटर जब ओपन हो चुका है इंडिया में पाकिस्तान नेपाल और फिलीपींस में, तो क्या वर्क वीज़ा और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा स्टार्ट हो चुका है? क्या नया वर्क वीज़ा जो है वो देना स्टार्ट हुआ है नहीं, या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देना स्टार्ट हुआ है नहीं? ये बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। अब साथियों, यदि बात करें हम लोग पाकिस्तान के बारे में, तो वीज़ा वहाँ पे नया जो वीज़ा है वो इशू हो रहा है, नया वीज़ा, पर बहुत कम मात्रा में। मतलब जैसे कि पहले होता था वीज़ा कि हर दिन हजार हजार वीज़ा लगाया जाता था, 500 वीज़ा लगाया जाता था, बहुत ही जल्दी हो जाता था। पर अब क्या हो रहा है, बहुत सेलेक्टेड वीज़ा को मतलब अप्रूवल दिया जा रहा है। अब ऐसा होने का रीज़न ये है क्योंकि दोस्तों अभी बहुत ही ज़्यादा इंक्वायरी की जा रही है कंपनी को लेकर। कंपनी सबसे पहले गवर्नमेंट देखती है कंपनी का ट्रांजेक्शन कैसा है, कंपनी का लेबर के साथ ताल्लुकात कैसा है, वो सैलरी टाइम पर देती है नहीं देती है, क्योंकि ये तो ऑनलाइन होता है दोस्तों, आपको पता है कि बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो वो देखा जा रहा है कि मतलब हर महीने पैसा दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, कंपनी के पास काम है या नहीं, वो सब, ये सब बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है। वो सब देखने के बाद कतर गवर्नमेंट मतलब उनके वीज़ा को अप्रूवल दे रही है, ये सब बहुत कुछ देखा जा रहा है। पहले ये सब चीज़ नहीं देखा जाता था, मतलब अप्लाई किया जाता था, ज़्यादा तामझाम नहीं होता था, मतलब आपका वीज़ा क्या है वो किसी भी जो भी अप्लाई करते थे, अप्लाई वीज़ा अप्रूवल हो जाता था। पर कोविड-19 के आने के बाद ये सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ये सब देखा जा रहा है, इसलिए वीज़ा तो मिल रहा है पर बहुत कम मिल रहा है। ये मैं पाकिस्तान के बारे में बता रहा हूँ। अब दोस्तों बात आती है यहाँ फिलीपींस के बारे में। तो फिलीपींस का वैसा ही सिस्टम है जैसे मतलब पहले ऐसा नहीं रहा। अब यहाँ पे बात आती है इंडिया। बहुत सारे भाइयों का ये कहना है कि इंडिया का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा बैन कर दिया गया है, ऐसा मुझे सुनने को मिल रहा है। मैं पहले वीडियो बनाया था, आपने बहुत लोगों ने वीडियो को देखा था, पर बहुत लोगों ने वीडियो नहीं देखा था। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडिया का जो वीज़ा अभी फिलहाल जो अभी है, जो पहले का जो वीज़ा था, जो कोविड-19 के दरमियान जिसका वीज़ा में कोई, जैसे जिसका वीज़ा लग गया था, जो नहीं आ पाए कतर जा पाए थे, वो लोगों को पहले बुलाया जा रहा है। जो भी दिक्कतें थी वो सब दिक्कत को, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है। सॉल्व करने के बाद जो पुराने वीज़ा वाले लोग थे उन लोगों को लाया जा रहा है। बहुत ही जल्दी इंडिया का न्यू वीज़ा वो स्टार्ट हो जाएगा। वीज़ा बंद नहीं हुआ, बस कुछ दिनों के लिए रुका है। तो दोस्तों आप समझ जाइए, मतलब वीज़ा बंद नहीं किया गया, किस अभी कोई भी देश का वीज़ा बंद नहीं, वीज़ा चालू है, न्यू वीज़ा मिल रहा है पर बहुत कम मिल रहा है। अब बात आती है दोस्तों, बहुत सारे भाई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश का भाई बताइए क्यूवीसी सेंटर कब ओपन होगा, इसके बारे में कुछ बताइए। श्रीलंकन भाई भी हैं जो मुझसे पूछे हैं, जो कुछ हिंदी में थोड़ी बहुत जानते हैं, वो हिंदी में कमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं दोनों भाइयों को मैं बताना चाहूँगा, श्रीलंका के और बांग्लादेशी भाइयों को, कि भाई अभी कोई इस पर कोई अपडेट आई नहीं है। जैसी कोई अपडेट इस पर आती है तो मैं आप तक शेयर जरूर करूँगा। पर एक बात मुझे पता चला है कि बांग्लादेश का जो वीज़ा है दोस्तों, वो यदि क्यूवीसी सेंटर ओपन हो भी जाता है, तो बांग्लादेश का दोस्तों जो न्यू वीज़ा इशू होने का जो है वो थोड़ा टाइम लगेगा। अब इसलिए होगा क्योंकि बांग्लादेश का जो पुराना वीज़ा है वो बहुत ही ज़्यादा पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो वो पेंडिंग वाला वीज़ा पहले जो पेंडिंग पड़ा हुआ उसे पहले प्रोसेस में लिया जाएगा, वो काम पूरा कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद नया वीज़ा देना इशू करेगा। पर दोस्तों अभी इससे कोई अपडेट आई नहीं है बांग्लादेश के बारे में, श्रीलंका के बारे में, कि क्यूसी सेंटर कब ओपन हो रहा है। जैसे ही आएगा मैं आप तक शेयर करूंगा। तो मेरे वीडियो को लगातार आप देखते रहिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पर नए आए हो तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मुझे थोड़ा हौसला मिले। मैं कोशिश करता हूँ साथियों, मैं हमेशा आप तक अच्छी न्यूज़ पहुँचाने का, सही न्यूज़ पहुँचाने का। पर बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, इस पर थोड़ी हटाइए, इस पर कभी और मैं बात करता हूँ। तो मिलते हैं साथियों इसी तरह नेक्स्ट वीडियो को लेकर, नेक्स्ट कतर की जानकारी को लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।